नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप सभी का किस्सा पुराण में स्वागत है। देवों के देव महादेव रूप हम सबकी आंखों में बसता है, लेकिन शिव जिन वस्तुओं को धारण करते हैं, क्या आप जानते हैं कि इनका महत्व क्या है? क्यों भगवान शिव ने इन्हें धारण किया है? हमने पहले आपको चंद्रमा, नाग और डमरू के महत्व के बारे में बताया था। जब आपको शिव के धारण किए हुए और रहस्यों के बारे में आज बताते हैं। शिव की सवारी है नंदी, यानी कि वृषभ। वृषभ शिव का वाहन है, ये हमेशा शिव के ही साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म। वेद ने धर्म को चार पैर वाला प्राणी कहा है। उसके चार पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इन चार पैरों वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है। ये शिव के एक गण है। नंदी ने ही धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। शिव के स्वरूप में एक और रूप है जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, और वो है जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, मतलब आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है। गंगा शिव की जटाओं से प्रवाहित होती हैं। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप धारण करने हुए माने जाते हैं। शिव ने अपने जटाओं में मां गंगा को धारण किया हुआ है। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ, तो ये भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से ही धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएंगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। शिव अपने शरीर पर भभूत या भस्म भी लगाते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का भी प्रतीक है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में वैसे कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म ही शेष रहती है। यही दशा शरीर के साथ भी होती है। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी तीन आंखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौहों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। शिव का ये नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यह इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना का या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में ये मान्यता है कि तीन नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंब, यानी कि तीन नेत्रों के ईश्वर कहा जाता है। हमारे इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।